हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी जरूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी जैसे ही सामने आई तो ये चर्चा शुरू हुई कि कौन इस आयोजन में शामिल होगा। अब जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है, चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन इसमें शामिल होगा और कौन नहीं होगा। कांग्रेस ने बुधवार को कई दिनों से पूछे जा रहे सवाल का जवाब दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में जाने से इनकार किया। कांग्रेस के अलावा दो शंकराचार्यों ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है। हालांकि दो शंकराचार्यों ने बयान जारी कर कहा कि सब इस समारोह में शामिल हो, लेकिन आखिरकार शंकराचार्य ने ऐसा क्यों किया, सुनिए। आप जाएंगे क्या? जैसा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अयोध्या तो जाता रहता हूं, जाता रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूं। सम्मिलित होने का कोई कारण? कारण कुछ नहीं, हमारे पास निमंत्रण आया था कि एक व्यक्ति साथ ला सकते। इसी को लेकर के क्या है? इसी को लेकर मैं कोई नाराज नहीं होता। मेरी आप अच्छा महाराज, अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत, उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा।